और श्वेता के साथ हैं बरखा और इंद्रनी। आपने सोचा है कि आप मॉडल हैं, मॉडलिंग की आपने, तो बोला था कि मॉडल मतलब अच्छी स्टैचू अच्छी लगती है, जब एक्टिंग करने की बात आती है तो उनकी फीस माफ हो जाती है। मॉडल्स कांट एक्ट, मॉडल्स कैन ओनली पोज। We were never born as models. मैं पहले तो मैं नॉर्मल इंसान था, मॉडलिंग प्रोफेशन में आया तो मैंने मॉडलिंग सीख लिया कि ऐसे चलो, ऐसे खड़ा होना है, ऐसे चलना है, ये लुक देना है, इस तरह कैमरा फेस करना है। तो जिस तरह मैंने मॉडलिंग लर्न हाउ टू मॉडल, आई लर्न हाउ टू एक्ट। क्या आपको नर्वसनेस हुई पहले दिन जब आप सेट पर गए? बिल्कुल। तो आपने रिहर्सल्स किए बैठ के? मैं उस तरह का इंसान हूँ कि मैं ज्यादा रिहर्स करता हूँ तो मुझे लगता है 3-4 बार में मैं बहुत मैकेनिकल हो जाता हूँ, तो मैं रिहर्स नहीं करता हूँ। तो वेरी स्केप्टिकल अबाउट द हेयर स्टाइल बिकॉज़ इट्स क्वाइट अनकन्वेंशनल, एंड व्हेन आई सॉ मायसेल्फ इन द मिरर आई थॉट दैट आई वाज रियली लुकिंग वेरी वेरी वियर्ड। हाँ, बट देन जैसे कि एडिट्स पे जाता रहा मैं और मैंने देखा कि अकॉर्डिंग टू द कैरेक्टर उसका जो हाँ इट वर्क्स दैट हेयर स्टाइल वर्क्स एक्चुअली। एक सवाल है जो कि मैं बरखा से पूछने वाला हूँ, तो हम लोग उसको रिहर्स कर लेते हैं क्योंकि इसके बाद मामला काफी गर्म हो जाएगा। मैं पूछ रहा हूँ, आप बताइए मुझे, इतना सोचने की बात नहीं। अब आप लोग सोच रहे हैं, हाँ बोलिए ना, पहले बोलने आप सोच रहे हैं कि हम लोग हंस क्यों रहे हैं। भाई मैं बता देता हूँ, क्योंकि मैंने बरखा से एक सवाल किया है जिसकी वजह से बड़ी असमंजस में फंस गई, और वो सवाल मैं आप लोगों से भी कर रहा हूँ कि आपको ये बताना है। आप हमें जरूर ईमेल करिएगा, आप हमें खत लिखिएगा और ये बताइएगा कि इंद्रनील जो है, जैसे कि इन्होंने पहले बोला था कि वो मॉडलिंग से एक्टिंग में आया और उनको लगता है कि बाकी सब एक्टर भी ठीक ठाक हैं और अच्छी एक्टिंग करते हैं, तो हमने बरखा से पूछा है कि इनको 3 ऑप्शंस दिए हैं, गुड, बैड और एट्रोशियस। मैं थोड़ी कंफ्यूज हूँ सेकंड और थर्ड ऑप्शन के बीच। मैं इनको एक पूछना चाहता हूँ कि उस टाइम आपको क्या लगा कि एज एन एक्टर मैं बैड एंड एट्रोशियस हूँ कि एज ए पर्सन? बात घुमा रहे हैं, हमने एज अ पर्सन तो पूछा ही नहीं, आई कैन एक्सेप्ट इट जानते क्योंकि पहले जब मैं इनसे मिली थी ये इतने अनफ्रेंडली और इतने खड़ूस किस्म के इंसान थे कि मुझे ऑलमोस्ट लगा कि मैं क्यों ये शो ऐसे इंसान के साथ कर रही हूँ, क्योंकि ये बात नहीं करते थे, हाय भी नहीं बोलते थे मुझे सेट पर मिलने के बाद भी, सेट में एक कोने पे बैठे रहते थे। तो ऑब्वियसली जब हमारा फर्स्ट सीन माना एक साथ में, वैसे इनको ज्यादा पसंद नहीं करती थी, तो फर्स्ट सीन हुआ तो ये एटीट्यूड का अच्छा मॉडल है, ढंग से एक्टिंग भी नहीं करनी आती। तो आई थिंक बैड और एट्रोशियस के बीच का कहीं था। बरखा आप हमें बताइए कि आपके पेरेंट्स ने कैसे रिएक्ट किया और कैसे एक्सेप्ट किया? आपने उन्हें बताया कि बॉम्बे में हर जगह हमारी होर्डिंग लगी हुई है, हाउ डिड यू रिएक्ट? आपका पहला जो सीरियल लीड में है आपने किया? मेरे पेरेंट्स तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे, आई थिंक स्पेशली मेरे डैड, क्योंकि मेरे डैड कभी नहीं चाहते थे कि मैं इस प्रोफेशन में आऊँ। तो मेरे डैड ऑलमोस्ट रोज मुझे कॉल करके बोलते थे कि बेटा वापस आ जाओ, लेकिन मेरी मॉम बहुत सपोर्टिव थी शुरू से, क्योंकि वो जानती थी कि मैं हमेशा से ये करना चाहती थी, तो वो बहुत ज्यादा सपोर्टिव थी। और ये शो मिलने के बाद सबसे ज्यादा खुशी ऑफकोर्स मेरे डैड को हुई है, ही इज वेरी प्राउड ऑफ मी टुडे। जब लोग कॉल करके बोलते हैं तो ही इज वेरी प्राउडली यू नो सेज दैट शी इज माय डॉटर, और बिल्कुल मेरे जैसी लगती है अपेरेंटली। तो जब लोग बोलते हैं कि आपकी बेटी बहुत सुंदर है, पापा कहते हैं हाँ बिल्कुल मेरी जैसी लगती है। और आपके पेरेंट्स नहीं, मेरे पेरेंट्स जो है मुझे लगता है बहुत अंडर प्ले करते हैं। तो किसी तो मैंने आज तक ऐसा नहीं हुआ कि मेरे पेरेंट्स ने फोन करके कहा है कि वाह वाह क्या काम कर रहा है तू, क्या बात है, ऐसा नहीं। मैं फोन करके पूछता हूँ कैसा लग रहा है, और उन लोग प्लीज फोन करके कहिए एक्टर को बहुत अच्छा लगता है, उनके माँ बाप देखकर। मैं फोन करके पूछता हूँ कैसा लगा आज का एपिसोड। इन दोनों की जिंदगी के बारे में तो बहुत कुछ जाना बाकी है, चलिए उससे पहले देखते हैं बहुत ही प्यारा सा सेगमेंट जो काम कर रही है साथ में, तबस्सुम जी दादी, तो वेरी फाइन एक्टर, तो उनके साथ काम करके कैसा लगा और कैसी है वो आप हमें बताइए। कल के एपिसोड में कुछ एक सीन आया था जिसमें मैं दादी को मिलता हूँ 7 साल के बाद, और हम दोनों रोते हैं और गले वले मिलते हैं। तो आज मेरी दादी से फोन पे बात हुई और दादी ने मुझसे कहा कि भले ही शो में जन्मों जन्मों का प्यार दिखाया है, पर मैं चाहती हूँ कि तू मेरा पोता रहे जन्मों जन्मों तक। आज का सीन तेरा और मेरा इतना अच्छा था कि इन माय होल करियर आई थिंक वन ऑफ माय बेस्ट सीन्स। रियल लाइफ में बरखा जो है कैसी है? बड़ी ही टॉमबॉयज टाइप की है, ऐसे थप्पड़ पर मारती है लड़कों को जब छेड़ते हैं कि क्या होता है? बहुत सारे लोगों के सामने थप्पड़ मार चुकी हूँ। और वो लड़का अब तो नहीं खैर, पर 1-2 साल पहले तक काफी टच में था, तो उसका अभी तक मेरा थप्पड़ याद है। थप्पड़ की गूंज सुनाई दे रही है। लेकिन अब आई थिंक बरखा थोड़ी बहुत मेलो डाउन हो गई है, गुस्सा काफी आता है मुझे, काफी शॉर्ट टाइम पर गुस्सा बिल्कुल यहाँ रहता है। फिर उसे ज्यादा आइडेंटिफाई करती हूँ राधा। ये हमेशा आई थिंक शी इज वेरी स्वीट एज श्यामा एंड ओ सो यू आर सेइंग आई एम नॉट स्वीट अदरवाइज।
अदरवाइज यू आर नॉट एक्चुअली यू आर मोर लाइक राधा, लाइक मोर खड़ूस. आप मुझे ये बताइए कि एज ए पर्सन बरखा कैसी लगती है आपको? बरखा बहुत स्वीट लड़की है. उनका खाली एक ही प्रॉब्लम है कि थोड़ी एरेटिक है बिहेवियर में. स्मूथ स्विंग्स बहुत ज्यादा है उनके. मतलब 10 मिनट पहले शी कैन बी स्वीट एंड आफ्टर 10 मिनट शी विल बी लाइक सो नास्टी. फिर आपका सेट पे कभी झगड़ा वगड़ा हुआ है? बहुत बार हुआ है. पहले तो बहुत बार हुआ है. वी स्टार्टेड ऑफ फाइटिंग विद हिम. मैं खुद बहुत इगोइस्टिक पर्सन हूँ. सो मुझे नहीं अच्छा लगता था कि ये बहुत नास्टी बिहेव करती थी मेरे साथ. मुझे बहुत गुस्सा आता था क्योंकि मुझे ऐसा लगता था तुम कौन हो यार जो आ गए तुम मेरे साथ नास्टी बिहेव करने. ठीक है, तो इनिशियली बहुत हुआ है, लेकिन धीरे धीरे टाइम लगा. मैं भी समझा कि है ही ऐसी इंसान, मतलब जो कि मूड स्विंग्स है उसको होते हैं. तो समवन हैज टू अंडरस्टैंड एंड कॉम्प्रोमाइज. सो You guys are sounding like a married couple. क्या टिप्पणी है इस बारे में आपकी? क्या टिप्पणी करना चाहेंगे बताइए. उन्होंने आपको मूडी कहा है, लेकिन उन्होंने खुद अपनी खामियां भी बिल्कुल मतलब हाँ बहुत ज्यादा खामियां. क्या कहना चाहते? मेरे साथ तो बहुत फ्रेंडली हैं और यू नो काफी हंसी मजाक चलता रहता है. पर मैंने इनको काफी लोगों के साथ देखा है और क्योंकि इतने इगोइस्टिक हैं तो जैसे उन्होंने कहा काफी इंडिफरेंट हो जाते हैं. तो इनका बिहेवियर बिल्कुल यू नो अलग सा हो जाता है जो लोगों को शायद पसंद ना भी आए. काफी लोगों को पसंद नहीं भी आता क्योंकि ये ऐसे हैं. लेकिन आई थिंक इनका बस यही है कि थोड़े रिजर्व थे. इनको टाइम लगता है लोगों के साथ ओपन अप होने में. आपका फेवरेट एक्टर कौन है आपके शो में? डेफिनेटली हिम, क्योंकि यू नो सरप्राइजिंगली जबकि हम पेड ऑपोजिट ईच अदर हमारे साथ में इतने सारे सीन्स होते नहीं है यू नो. लेकिन फिर भी आई थिंक ही इज माई फेवरेट एक्टर कोस्टा. एंड सबसे ज्यादा कम्फर्टेबल हूँ उनके साथ काम करने में और इसलिए मुझे बहुत अच्छे लगते हैं. आपके कौन है सबसे फेवरेट? I'm paired opposite her, so obviously, you know, obviously होता है. मतलब because you work with that same person, there's a lot of romance happening, there's a lot of chemistry happening, so you will tend to like that person. मैं सुना आपके साथ भी एक not a very funny incident, लेकिन आपके साथ भी एक tragedy हो चुकी है वहाँ set पे. कुछ आप गिर गई थी या कुछ problem हुई थी? आई एम नोन ऑन द सेट कि मैं हमेशा गिरती रहती हूँ. मतलब दिन में एक्सीडेंट प्रोन, दिन में मैं मतलब सीधे सीधे चलते चलते भी ट्रिप होके गिर जाती हूँ. ऐसा है मेरे साथ. तो उस सीन में बस ऐसा ही था कि हमें नदी के पास जाना था चल के. तो एक रोप बांधी हुई थी जिसको पकड़ के हमें रॉक्स के ऊपर चल चल के जाना था. और समय बीच में कहीं वो मेरा पाँव डगमगा गया और वो रोप हिल गई तो मैं रिवर में गिर गई. लेकिन ऐसा कुछ सीरियस नहीं था क्योंकि पानी नहीं डीप था. पर हाँ थोड़ा पानी का प्रेशर था तो यू नो थोड़ा डिफिकल्ट हुआ. लेकिन आई थिंक काफी लोग आकर मुझे पुल आउट कर गए. पूरा यूनिटी कूद गया होगा पानी. बचाओ पूरा शेड्यूल बात कर कंटिन्यूटी. आप बात सुनी पाएंगी क्योंकि इंद्रनील एक बहुत ही प्यारा से हम लोग गाना गाने वाले हैं. बिल्कुल मैं गाना तो आपको ये भी अच्छा गाती हैं तो इनको लोग कहते हैं पागल हूँ मैं ये भी न जानू. दिल लुटाया है मैंने अब किसी की न मानू. चैन खो करके मैंने बेचैनियाँ ये दी है. नींदे उड़ा के मैंने तुमसे वफाएं की है. कसम की कसम है कसम से जी रहे हैं हम तेरे दम से. अब ये प्यार न होगा फिर हमसे. एक इशारे से तुमने हमसे जो ये कहा है अब यहीं आ रहा है. तुमको भी कुछ हुआ है क्यों तुमको देखते हैं क्या दिल में सोचते हैं. तूफान जो उठ रहा है हम उसको रोकते हैं. कसम की कसम है कसम से ये मिलन है सनम का सनम.